राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। पश्चिम के मुकाबले पूर्वी राजस्थान की कई जगह माइनस में पारा, बारिश के थमने के साथ ही अब तापमान में गिरावट का दौर भी जारी है। प्रदेश में सर्दी की पकड़ अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो सर्दी के चलते कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब पारा माइनस को पार कर चुका है। बारिश के थमने के साथ ही अब तापमान में गिरावट यहां पर देखी जा रही है। प्रदेश में सर्दी की पकड़ मजबूत होती जा रही है और उससे परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। पश्चिम के मुकाबले पूर्वी राजस्थान में कई जगह इस समय ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में सर्दी की पकड़ अब जोर पकड़ रही है। राजस्थान में सर्दी का सितम अब बढ़ने लगा है। पश्चिम के मुकाबले पूर्वी राजस्थान में कई जगह माइनस में पारा पहुंच गया है। बारिश के थमने के साथ ही अब तापमान में गिरावट यहां पर देखी जा रही है। कहीं कोहरा है तो कहीं उसके कारण परेशान है, लेकिन किसानों में काफ़ी इस समय खुशी की लहर है, क्योंकि चाहे वो और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सिरोही से मदन प्रजापत। मदन, लगातार जो बारिश चल रही थी उसके बाद अब जो सर्दी है वो जोर पकड़ती हुई पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। सिरोही में क्या कुछ तस्वीरें हैं और ये बारिश किसानों के लिए किस तरह की रहने वाली? जी बिल्कुल, आपने सौरभ सही कहा कि अगर बात की जाए अगर माउंट आबू की, तो यहाँ पर सर्दियों के दिनों में माउंट आबू अलग ही अपनी पहचान रखता है, क्योंकि धीरे धीरे अब दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना शुरुआती दिनों में ही, आकर बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को यहाँ माउंट आबू का जो तापमान का यहाँ पहले ही दिसंबर में माइनस एक डिग्री पहुंच गया था। उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर निरंतर जो ठंड है लगातार यहाँ पर सौरभ बढ़ती ही जा रही है। इस कड़ाके की सर्दी से जरूर जो सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ है। सौरभ, मैं बता दूं कि यहाँ पर विकेट के चलते अब माउंट आबू में पल पल मौसम भी बदल रहा है, तो माउंट आबू में पर्यटकों का जो इजाफा है लगातार भी हो रहा है। और आज आगामी जो शरद महोत्सव भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, उस शरद महोत्सव को लेकर उपखंड अधिकारी जो सिद्धार्थ पालाना चामी है पूरे अधिकारियों को लेकर यहाँ पर बैठक भी लेंगे और प्रशासन को लेकर यहाँ पर आवागमन सुचारू करने और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर एक बैठक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर भी जिला प्रशासन और यहाँ उपखंड प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है और माउंट आबू में घूमने आने वाला पर्यटक इस सर्दी के बीच इस महोत्सव का आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, ठीक है मदन, सिरोही को लेकर मौसम का क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी बिल्कुल सौरभ, मैं बता दूं कि आपको अगर मौसम की बात की जाए तो आज माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर है और इस कड़ाके की सर्दी के असर जो घरों से जो बाहर निकलने वाला जो लोग है ऊनी वस्त्रों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अगर आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं तो यहाँ पर जो काला घना हल्का कोहरा नजर आ रहा है और मैं कारों की छतों पर मैं कैमरा में से दूंगा, देखो ये जो कारों की छतें हैं इसमें यहाँ पर देखो हल्के ओस की बूंदें नजर आएगी आपको। यहाँ तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्दी है वो अपना असर है बरकरार रखती हुई नजर आ रही है। जो सर्दी है यहाँ पर धीरे धीरे दिसंबर महीने में ये जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती नजर आएगी। तो यहाँ ओस की बूंदें ये बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आज सर कैसी सर्दी है माउंट आबू में? और गजब सर्दी के बचाव को लेकर क्या कर रहे हैं? क्या करें, धंधा करने के लिए मन नहीं हो रहा है, ओढ़ के खड़े हो जाते हैं। क्या और भी मेरे साथ में कुछ लोग हैं, यहाँ पर सर्दी कैसी है आज सर? सर्दी कैसी है? कैसी सर्दी आज? आज सर्दी ही ज्यादा है। और इस सर्दी के बचाव को लेकर आप क्या कर रहे हैं? हाँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्दी कहीं ना कहीं है, ठंड काफी ज्यादा है। बिल्कुल सौरभ, बारिश के बाद में अगर जी सौरभ बिल्कुल आपने सही कहा कि बारिश के बाद अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए तो बड़ी खुशी नजर आ रही है और किसान भी अब यहाँ पर खेती में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और किसानों के लिए जो बारिश के बाद यहाँ पर जो बारिश हुई है तो उससे किसान भी खासी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सर्दी अपना जोर दिखा रही है, पूरी राजस्थान में कई जगह बारिश हुई उसके बाद अब माइनस में यहाँ पर प्रदेश में कई जिलों का तापमान पहुँचता जा रहा है और ये तस्वीरें हैं जहां पर ठंड से इस समय मुकाबला कर रहे हैं लोग।
सिरोही की तस्वीरें थी। माउंट आबू जो सबसे सर्द प्रदेश है और राजस्थान का कश्मीर भी इसे कहा जा सकता है, तो पश्चिम के मुकाबले पूरी राजस्थान में कई जगह इस समय पारा माइनस पे पहुंच रहा है। बारिश के थमने के बाद अब तापमान में गिरावट देखी जा रही है।